फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज मैं आप सभी लोगों को 1212 ट्रांसफार्मर को 012 में कैसे बदलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक पीस 5408 का डायोड एंड एक पीस चाहिए होगा आपको 25 वोल्ट में 4700 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर एंड एक पीस चाहिए होगा आपको 1212 ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, अब मैं इस ट्रांसफार्मर को एसी लाइन में लगाकर चेक करता हूं कि इसका वोल्टेज आउटपुट कितना है। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, ये हमारे एसी इनपुट हैं एंड ये एसी आउटपुट हैं। ये बीच वाला जीरो है, ये किनारे साइड वाले हमारे 12-12 हैं। अगर हम इन दोनों में लेते हैं तो ये हमारा 24 वोल्ट देता है। तो आइए मैं इसे प्लग में लगाकर चेक करता हूँ, सॉकेट में लगाकर चेक करता हूँ। ये देखिए, मैंने अभी इसे कनेक्ट कर दिया है एंड दोस्तों, अब मैंने ट्रांसफार्मर को एसी लाइन में कनेक्ट कर दिया है एंड मल्टीमीटर को 200 पर सेट कर लिया है। अब हम इसका इन आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, हमने एक नॉब को इसमें लगाया है एंड दूसरी नॉब को मैं यहाँ पर लगाता हूँ 24 वोल्ट में। तो ये देखिए 24 वोल्ट दिखा रहा है अराउंड एंड अगेन मैं जीरो में लगाता हूँ तो ये देखिए 11.89 वोल्ट दिखा रहा है और दूसरे में ये 11.7 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये मेरा ट्रांसफार्मर सही है। मेरा इनपुट वोल्टेज थोड़ा डाउन है, इसीलिए ये 12 पॉइंट नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं तो ये 12-13 के अराउंड होता है वोल्टेज, 14 तक भी चला जाता है अगर 250 वोल्टेज हुआ तो, 250 हुआ तो। तो दोस्तों, अब मैं इसमें इसको मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये दो डायोड हैं 5408 के, इसको मैंने दोनों के पॉजिटिव वाले जो सिरे हैं इन्हें मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया है एंड जो दोनों निगेटिव हैं इन्हें हम 24 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अब ट्रांसफार्मर के जो 24 वोल्ट थे उनमें मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है डायोड को। ये देखिए, पॉजिटिव को एक तरफ कर लिया है एंड दोनों निगेटिव को कनेक्ट कर दिया है। अब जो कैपेसिटर है उसे हम जो बीच वाला ये रेड वाला है ये जीरो न्यूट्रल, इसमें हम कैपेसिटर का माइनस कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस ट्रांसफार्मर के जो बीच वाला सिरा था जीरो, उसको मैंने इसके निगेटिव में कनेक्ट कर लिया है एंड दूसरा जो हमारा ये पॉजिटिव वाला था उसे मैंने डायोड के पॉजिटिव में कनेक्ट कर लिया है। अब हम आउटपुट एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे। ये हमें कैपेसिटर के दोनों सिरों से आउटपुट निकालना है, पॉजिटिव निगेटिव। तो जैसा कि दोस्तों, मैंने निगेटिव यहाँ से निकाल लिया है आउटपुट के लिए एंड पॉजिटिव को यहाँ से। अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। और दोस्तों, इसका सर्किट डायग्राम मैं लास्ट में दे दूँगा आपको। तो दोस्तों, अब मैं इस मल्टीमीटर को 20 पर सेट कर लेता हूँ क्योंकि ये अब 14 वोल्ट के अराउंड रहेगा, 13, 12, 14 ऐसे ही। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें दोनों पॉइंट में कनेक्ट कर लिया है। अब ये देखिए 14.78 वोल्ट हमारा दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मैंने इधर सॉकेट में लगाया हुआ है बोर्ड में इसको और मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा कितना वोल्ट शो कर रहा है। ये देखिए 14.6768 ऐसे ही वोल्टेज दे रहा है। ये देखिए, अब मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा सर्किट डायग्राम है। इधर से 220 वोल्ट इनपुट हो रहा है और ट्रांसफार्मर 1212 में एसी दे रहा है और दो डायोड लगाकर हमने डीसी कन्वर्ट किया है और कैपेसिटर लगाकर फिल्टर किया है। आप इसमें देख पा रहे हैं कितनी कितनी सामानें यूज हुई हैं और ये देखिए 12 वोल्ट से 14 वोल्ट तक हमें आउटपुट मिल जाएगा इधर से। ओके एंड फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।